स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, ये क्लास टेंथ का इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, आज आप लोगों का इंग्लिश है। ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ ही आप लोगों का जो है यहाँ पे करवाएंगे। देख सकते हैं ये पहला नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे केयरफुली द पैसेज, ये जो आंसर इसका देना है। आप देख सकते हैं आंसर जो है एक नंबर का, यहाँ पे एक का देख सकते हैं रोमन में, एन ओल्ड मैन हैज थ्री सन्स, इसका जो है यहाँ पे आंसर है। इसका जो है आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाफट, जितना जल्दी हो सके स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये देख सकते हैं ये आंसर जो आप लोगों का तैयार कर दी, यही आंसर को आपको लिखना है आज। देख सकते हैं क्लास टेंथ के जितने भी छात्र छात्रा है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। ये आंसर की आप लोगों को दे रहे सब्जेक्टिव का, जल्दी से फटाफट जो है इसको नोट कर लीजिए, यही आंसर आपको लिखना है। यानी एक नंबर का तीन में जो है आपको यहाँ पर यही आंसर लिखना, फिर एक का जो है चार नंबर में यही आंसर लिखना है, फिर दो का जो है एक नंबर ये आंसर लिखना है आपको, फिर यहाँ पे दो का दो नंबर रोमन में इसका जो है यही आंसर लिखना है। तो जल्दी से फटाफट जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, वीडियो के एंड में आपको बता देंगे पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो का तीन नंबर यहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है, इसके बाद दो का चार नंबर का आंसर ये हुआ, तो इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर तीन में आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे सटंजा के बारे में आपको पूछेगा, तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो है हम दे दिए हैं। आप देख सकते हैं तीन का जो यहाँ पे एक का रोमन में ये आंसर आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आना, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आंसर है उसी का, तो ये भी आंसर आपको लिख देना फटाफट जो है स्क्रीन शॉट इसका ले लीजिए जितना जल्द। क्वेश्चन नंबर चार में यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चार का दूसरा आंसर जो है आपको यहाँ पे लिखना, ये देख सकते हैं ये स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चार का जो यहाँ पे रोमन में चार यहाँ आप देख सकते हो, डिड गिल्लू, गिल्लू के बारे में पूछा गया, तो आप आसानी से जो है आंसर दे सकते हैं। आप देख सकते हैं गिल्लू के बारे में। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पे ये जो है छः नंबर, तो ये भी आंसर यहाँ पे दे चुके हैं हम, फटाफट जो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्क्रीन शॉट लेकर के जल्दी से आप कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है नोट कर लीजिए। इसका पी डी एफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे आपको पी डी एफ कहाँ से डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के बारे में आपको जो है लिखना है, देख सकते हैं ये भी स्क्रीन शॉट आप फटाफट जो है ले लीजिए। ये कम समय में जो है आपको यहाँ पे हम आंसर करवा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर सात आ गया, तो ये जो है आपको रिपोर्ट लिखना है। आप देख सकते हैं आराम से जो है इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप जितने भी छात्र छात्रा हैं, बाद में आप पछताएंगे फटाफट। जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की हम बता रहे हैं आपको, यही आंसर आपको जो है आज लिखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर टू द हेड मास्टर के बारे में आपको जो है ये भी लिखना, क्वेश्चन नंबर आपको आठ में ये पूछा जाएगा। जल्दी से जो है आंसर शीट जो है डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना, बताएंगे आंसर शीट कैसे डाउनलोड करना है ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दस में आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पीच आपको यहाँ पर लिखना है टीचर्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको जो है स्क्रीन शॉट ले लेना, बस इतना ही काम आपको करना है। आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना आप बताते हैं, वहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको वहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लगता, फ्री में टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ, क्या नाम है, जादूगर मैथ, जादूगर मैथ जैसे ही सर्च कीजिएगा टेलीग्राम खुल के आ जाएगा। वहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम डाल दिए हैं, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।